हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैकबेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकें। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप WhatsApp पे जो इमेजेस और वीडियोस सेंड करते हो तो वो आप ओरिजिनल क्वालिटी में कैसे सेंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल फ़ोटो सेंड करके देखते हैं या वीडियो सेंड करके देखते हैं WhatsApp पे। तो यहाँ पे मैं किसी का नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैं मेरे मम्मी का नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कैमरा से मैं सिंपल एक कोई भी इमेज सेंड कर देता हूँ, जैसे कि ये वाली। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ पे सेंड कर दी। अब हम चलते हैं मेरे मम्मी के मोबाइल में। तो गाइस चलो, अब हम आ गए हैं हमारे मेरे मम्मी के मोबाइल में। तो यहाँ पे मैं WhatsApp ओपन कर देता हूँ और WhatsApp पे देखो मेरा अकाउंट। और यहाँ पे देखो आपको जो इमेज दिख रही है, ये इमेज की साइज़ यहाँ पे दिख रही है 122 KB की जो इमेज की साइज़ है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, ये क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट सेंड किया इसलिए मुझे ये साइज़ दिख रही है। मतलब क्या होता है कि जब भी हम WhatsApp पे कोई इमेज या वीडियो सेंड करते हैं तो उसकी जो पिक्सल की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारे इमेजेस जो है वो फटने लगती है। जब हम जूम आउट करते हैं इमेजेस को तब वो फटने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मेरे फटाफट से डाउनलोड भी हो गई। और इसकी जो ये देखो जूम आउट है, ये देखो ये इसकी जो पिक्सल है वो फटने लग जाती है। ठीक है, अभी मैं सेम इमेज आपको बताऊँगा ओरिजिनल क्वालिटी में कैसे सेंड करते हैं। तो चलिए अब फिर से मेरे मोबाइल के इसमें जाते हैं हम। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं फिर से मेरे फ़ोन में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं अभी फिर से WhatsApp पे जाऊँगा। WhatsApp पे जाने के बाद फिर से अभी यहाँ पे जाऊँगा मेरे मम्मी के कांटेक्ट में। अभी हम क्या करें, ओरिजिनल फ़ोटो सेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके लिए मुझे ये जो पिन दिख रही है टाइप है मैसेज के बाजू पे, उस पर क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे एक नई विंडो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे 3 डैश दिख रहे हैं उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से फिर मेरी जो इंटरनल स्टोरेज है, जैसे मेरी वाली इंटरनल स्टोरेज CPH 2127 है, उस पर क्लिक करूँगा। अगर मेरी इमेज इंटरनल स्टोरेज में होंगी तो मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगा, या फिर जो फोल्डर में होंगी वो फोल्डर सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे यहाँ पे मैं DCMI, यहाँ पे मेरे सब इमेजेस सेव है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक इमेज, जैसे मुझे कैमरा की एक कोई इमेज सेंड करनी है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इमेज .jpg टू सेंड यस। ठीक है, यहाँ पे सेंड पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी इमेज है वो ओरिजिनली इमेज सेंड हो जाएगी, और वो भी एज ए डॉक्यूमेंट की तरह वो इमेज यहाँ पे सेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने दिखा रहा है वो 4.5 MB की इमेज दिखा रही है, और कौन सी फाइल है, JPG फाइल है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से जाते हैं अभी मेरे मम्मी के फ़ोन में। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मेरे मम्मी के फ़ोन में। अब फिर से हम WhatsApp पे जाते हैं। WhatsApp पे जाने के बाद मेरे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो मैंने इमेज सेंड की थी 4.5 MB की, वो आ चुकी है, और उसका फॉर्मेट भी JPG लिखा हुआ है। तो जब मैं डाउनलोड करूँगा तो थोड़ा डाउनलोड होने को टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो गाइस ये देखो जो इमेज मैंने सेंड की थी मेरे मम्मी के कॉन्टैक्ट में, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हम ओपन कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ऑलवेज़ या जस्ट वन। अगर आपको एक ही बार यूज़ करना है तो एक ही बार करो, अगर आपको हमेशा के लिए रखना है तो फिर ऑलवेज पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं जस्ट वन करूँगा।
जस्ट वन करने के बाद ये देखो जो मेरी इमेज है वो ओरिजिनल इमेज यहाँ पे सेंड हो रही है, देख रहे हो? ये देखो ये कितनी मतलब बहुत ये जो है उसकी जूम आउट बहुत बड़ा हो रहा है, और जो मैंने ओरिजिनल पहले जो मैंने पहले इमेज सेंड की थी उसका देखो ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, हैं उसका ज़्यादा जूम भी नहीं हो रहा है और वो पिक्सल भी फट रही है। और जब हमने दोनों इमेजेस को डाउनलोड किया था तो इसका था 122 KB और इसकी जो साइज़ है वो 4.5 MB की साइज़ है। मतलब क्या है हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो ओरिजिनल इमेज यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। थैंक यू, बाय बाय।